टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए जिससे कि अपनी जो क्लास है एकदम धुआंधार क्लास स्टार्ट हो सके। फटाफट से सभी लोग जुड़ेंगे। और सभी लोग बताएंगे थोड़ा सा कि आवाज़ क्लियर है या फिर नहीं, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। सभी लोग करेंगे, सब क्लियर है, शाबाश, ऑल क्लियर, शाबाश। चलिए, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, चलिए शाबाश। हाँ, बिल्कुल टाइम से आ जाए करिए सभी लोग, बिल्कुल टाइम से, जो टाइम आपको दिया जाता है टाइम से सभी लोग आ जाए करिए, शाबाश। हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफ़ी बच्चे, चलिए एक बार नाम ले लेते हैं फिर अपनी क्लास को एकदम धुआंधार तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनके लिए 7 बजे डेली क्लास होती है, तो आपको डेली शाम को 7 बजे जुड़ना है, और रात में 9 बजे आपकी धुआंधार क्लास होती है, उसमें भी आपको जुड़ना है, ठीक है। और ये जो आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं राकेश गोस्वामी के, इसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसके पिछले मॉडल पेपर छूट चुके हैं वो स्टार्टिंग से कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने मतलब पढ़ लिए हैं वो भी दोबारा से रिविज़न कर सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। तो चलिए, सभी लोग जुड़ चुके हैं, एक बार नाम ले लेते हैं फटाफट से। नेहा जी, हुमा जी, प्रमोद जी, ओम, इंद्रजीत, शिव शंकर, रागनी वर्मा, प्रमोद, आलोक, रमा शंकर, हाँ सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड। हाँ, शारदा जी भी आ चुकी हैं, चलिए हाँ सभी लोगों को गुड इवनिंग एंड राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए अब क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो प्लेलिस्ट हमने हर चीज़ की बनाई हुई है, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो फटाफट से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चांदनी रात में महिला, क्या पूछा जा रहा है? चांदनी रात में महिला 1880 का है ये किसका चित्र है, बताएंगे सभी लोग? रवीन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैच, फर्स्ट का बताएंगे सभी लोग? शाबाश, हाँ वेरी गुड। पूछा जा रहा है चांदनी रात में महिला सुरक्षित कहाँ है, नई दिल्ली में, किसका चित्र है ये? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा का है, ठीक है, चांदनी रात में महिला। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 1963 में ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने किसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 18 पक्षी चित्रकारों की एक प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया है? हिम्मत शाह, कृपाल सिंह शेखावत, प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा, पीएन चोयल, क्या होगा सेकेंड का सी? अच्छा, शाबाश, बिल्कुल सही बताया है सेकेंड का सी, प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे? आध्यात्मिक कला, अति यथार्थवाद, यथार्थवाद, अभिव्यक्तिवाद, सभी लोग टाइम से बिल्कुल 7 बजे उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, क्या होगा थर्ड का? वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी, ये है यथार्थवाद, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही दे रहे हैं, वेरी गुड। आगे पूछा जा रहा है इंटीग्रल्स ऑफ अ टोर्सो, बताइए इसके मूर्तिकार कौन है? सॉरी, बताइए इसका क्या होगा? बलबीर सिंह कट, अशोक प्रजापति, हिम्मत शाह, राघव कनेरिया, इंटीग्रल्स ऑफ अ टोर्सो, बताएंगे सभी लोग फोर्थ का? वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए, ये हैं बलबीर सिंह कट। आगे
पद्म विभूषण पाने वाले शर्मा, नंदलाल बोस, सुधीर खास्तगीर या राय? क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। फिफ्थ का क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ये हैं नंदलाल बोस जिनको पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, तत्वबोधनी पत्रिका से कौन संबंधित था? राजा राम मोहन राय, द्वारिकानाथ, देवेंद्र नाथ, अक्षय कुमार दत्त? बताएंगे तत्वबोधनी पत्रिका। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही बता रहे हैं आप लोग, बहुत सही, वेरी वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल करेक्ट दिए हैं, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, टाइम से आया करें। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। धनराज भगत की मूर्ति है स्पिरिट ऑफ वर्क, काम का जोश, किसके संग्रह में है? बताइए सबसे पहली बात, किसकी मूर्ति है धनराज भगत की, और संग्रह पूछा जा रहा है तो आपको बताना है। सेवेंथ का क्या होगा? वेरी गुड, बहुत सही, बिल्कुल करेक्ट दिया है, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, देखिए एक चीज़ याद रखिए, कमेटी बन चुकी है 12 सदस्य, अब बिल्कुल से जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल से लग जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि पूरा खाका तैयार बना रखा हुआ है, बस साइन की ज़रूरत है, और साइन कितनी देर में हो सकते हैं, एक सेकेंड में साइन हो सकते हैं, तो बस समझ लीजिए कि कितना टाइम है आपके पास। ये चुनाव हो जाए, चुनाव के बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपनी बिल्कुल से तैयारी परफेक्ट रखिए, लग जाइए बिल्कुल से, क्योंकि अब इसके बाद पंचवर्षीय योजना बन चुकी हैं आपकी भर्तियाँ, ये तो पता है सभी को, 5 साल तक कुछ नहीं है, ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? उत्कल प्रदेश, कलिंग, उड़िया, ओडिशा। नाइन्थ का क्या है, सभी लोग करेंगे। और एक चीज़ और, रात में 9 बजे जो आपका ये टाइम है ना, इस टाइम हम आपकी जो राकेश गोस्वामी की ये पाश्चात्य कला वाली बुक है, इसको हम शुरू कर रहे हैं, और एक ही वीडियो में एक चैप्टर हम आपका निपटा देंगे, तो लगभग 20 से 22 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हाँ, 9th का क्या होगा, हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है उत्कल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? सत्य, असत्य, सत्य हो सकता है, असत्य है, बताइए क्या होगा 10th का? बिल्कुल ऑप्शन ए, ये है सत्य। प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? बोरी, मेहरगढ़, इनाम गांव, गिबुंद? बताएंगे 11th का क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ये है मेहरगढ़। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, हड़प्पा का महल, मोहनजोदड़ो का अन्नागार? बताएंगे सभी लोग 12th का क्या होगा, सभी लोग फटाफट से करेंगे आंसर। अरे, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत पूछी गई है, हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो का अन्नागार, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार कौन है? दिलीप तामुली, जॉन डगलस, मुकुल पंवार, कोई नहीं, 13 क्या होगा, सभी लोग बताएंगे, शाबाश, बहुत सही बताए हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, मुकुल पंवार जो है ये आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। आगे, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित है? क्या होगा, वृषभ, घोड़ा, सिंह, गज? स्पीड बढ़ाएंगे सभी लोग, टक्कर दीजिए एक दूसरे को, एकदम जमीन हिलनी चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन आने चाहिए आप लोगों के। 14 का, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, ये है वृषभ, स्पीड बढ़ाइए। पूछा जा रहा है जगाई मधाई उद्धार, बताइए टेम्परा में है, इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है, इसको चित्रित किसने किया है? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, हल्दार, महादेवी वर्मा, अवनींद्रनाथ, कौन होंगे? शाबाश,
ये हैं आपके असित कुमार हलदार, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? पुपुल जयकर, डॉक्टर ग्रेस मोरले, कपिला वात्स्यायन, सी शिवराम मूर्ति। सभी लोग करेंगे 16, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, क्या हो जाएगा आंसर? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर ग्रेस मोल्डे। आगे, फोल्डर विज्ञापन की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? पारगमन विज्ञापन, बाह्य क्षेत्रीय विज्ञापन, प्रत्यक्ष मेल, अचल अभिकल्प। 17, क्या होगा आंसर करेक्ट? सभी लोग बताएंगे 17, शाबाश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फोल्डर जो है ये किसमें? प्रत्यक्ष मेल के अंतर्गत आता है, याद रखना है। आगे आगे है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा का चित्र विश्वामित्र और मेनका जो कि तेल में बनता है, ये कहाँ पर सुरक्षित है? नई दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ। बताएंगे सभी लोग कहाँ पर है? शाबाश, कुछ बच्चे तो देखते ही आंसर बिल्कुल से निशाने पर लगा देते हैं। चलो, सभी के बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, ऑप्शन ए, भारतीय सॉरी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंदिर और छांव क्रियान और जलरंग में है, और ये चित्र किसका है बताइए? मनीषी देव, अति छितेंद्रनाथ मजूमदार, असित हलदार, अरुण जेटली। बताएंगे सभी लोग 19 का क्या होगा? 19 का ऑप्शन क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही दे रहे हैं। हाँ, मंदिर और छांव, तो किसका है ये? मनीषी डे का है। ठीक है, आगे, राम गोपाल विजय वर्गीय का जो सुप्र बताइए, पूछा जा रहा है, राम गोपाल विजय वर्गीय का सुप्रसिद्ध चित्र कमल कन्या कागज पर जलरंग से बनता है, कहाँ पर सुरक्षित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, प्रयागराज, जयपुर। 20, बताएंगे सभी लोग? शाबाश, ये है इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद में है। ठीक है, आगे, ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया है? चिंतामणिकर, सोमनाथ होर, राम किंकर बैज, मीरा मुखर्जी। 21, क्या होगा? फटाफट से करेंगे सभी लोग आंसर। 21, शाबाश, बहुत सही, बहुत सही, सभी लोगों का एकदम ऐसा लग रहा है जैसे एक ही व्यक्ति ये सभी आंसर कर रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, राम किंकर बैच। शेरशाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना कैसी है? वर्गाकार, षटकोणीय, अष्टभुजाकार, आयताकार। 22 का क्या होगा? बिल्कुल सही है, ये जो शेरशाह सूरी का मकबरा है ना, वो कैसा बना है? अष्टभुजाकार बना है। ठीक है, याद रखना है। हाँ, आगे, इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित वेड़ी श्रृंगार किसका चित्र है? नंदलाल बोस, रामगोपाल विजय वर्गीय, असित कुमार हलदार, यामिनी राय। 23 करेंगे सभी लोग फटाफट से, क्या हो जाएगा आंसर आप लोगों का 23 का? शाबाश, सबके सतरंगी आ रहे हैं अब तो, सबके सतरंगी आ रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन डी हो जाएगा, यामिनी राय होगा। ठीक है, आगे, मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार हैं? मंसूर मनोहर, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, ये है जहांगीर। डेडिकेटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? प्लास्टिक को रखने के लिए, कास्ट खंड उत्पीड़न के लिए, लीथो पत्थर की ग्रेनिंग के लिए, स्क्रीन छापा के लिए। मैम वॉइस क्या हो गया? वॉइस, अरे अब आ रही है, अब सही है, अब सही आ रहा है, अब वॉइस सही है,
अरे जल्दी बताओ। जी, सही है। ठीक है, नो मैम। चलो हाँ, 25 का क्या होगा? ऑप्शन सी, लीथो पत्थर की ग्रेनिंग के लिए। नो मैम, अभी भी सही नहीं है। क्या हो गया? एक तो देखते हैं, हम ही देखते हैं। ठीक है, और बहुत दिखाते हैं। अरे भाई, अब सही है। क्या हो गया? अब बताएंगे सभी लोग, सही आ रही है? सही है। बताओ। अब सही आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताइए जल्दी से। सही है, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26, मैडोना एंड चाइल्ड, जो कि मार्बल से बनता है, ये मूर्ति है किसने बनाया है? फिलिप किंग ने, डोनाटेलो ने, मेलोल, माइकल एंजेलो। 26 का क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, ये है माइकल एंजेलो। आगे, कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, ये किसने कहा है? प्लेटो, क्रोचे, टॉलस्टॉय, हीगल। 27 क्या होगा? बिल्कुल सही है। दो लोगों में लड़ाई हो गई, तो उन्होंने प्लेट बार बार फेंकी, मतलब अनुकरण किया। आगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर है? भारत में है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, बर्मा। बता दो कहाँ है, अफगानिस्तान में है क्या कि बर्मा में है? बताओ। अच्छा, भारत में है, शाबाश। भारत में कब से होने लगा ये? चलो, ऑप्शन बी होगा, पाकिस्तान में है। आगे चलते हैं। आगे पूछा जा रहा है आपसे, शेखर सेन क्या है? नाटककार, चित्रकार, मूर्तिकार, छापा छायाकार। बताइए क्या होगा? 29। शेखर सेन है, कौन? नाटककार है। ठीक है, आगे आगे है, एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहते हैं? रेखा, आकार, ओद, रेखा चित्र। बताइए 30 का क्या होगा? सभी लोग करेंगे फटाफट से। ऑप्शन ए, रेखा। आगे, इनमें से कौन सा एक उष्ण वर्ण है? नीला, बैंगनी, हरा, लाल। कौन है बता दो। 31। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, ये है लाल। आगे, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व तो क्या है? रेखा, रंग, शीर्षक, धर्म। 32। ऑप्शन ए, ये है रेखा। कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती, बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है, किसने कहा है? फ्रांसिस बेकन, पॉल क्ली, वैसली कॉन्डेंसकी, जॉर्ज रुआ। 33। वेरी गुड, ऑप्शन बी, पॉल क्ली ने कहा है, कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती, बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है। शहीद स्मृति पटना, इसका शिल्पकार कौन है? शंखो चौधरी, डीपी राय चौधरी, राम शंकर बैज, धर्मराज भगत। 34 का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन बी, ये है डीपी राय चौधरी। विंसेंट वॉन गॉग का जन्म कब हुआ था? 1853, 1860, 1865, 1885। 35 का क्या होगा? सभी लोग करेंगे।
ऑप्शन ए ये है 1853। किस पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? कला दीर्घा, समकालीन कला, कला वार्ता, कला प्रयोजन। 36 क्या हो जाएगा आंसर? सही है, ऑप्शन सी कला वार्ता। आगे, रोमन कला का जन्म हुआ ग्रीक एवं इट्रक्सन कला से, इजिप्ट कला से, गोथिक कला से, बरोक कला से। 37 छापे सभी लोग फटाफट से। वेरी गुड, ऑप्शन ए ग्रीक एवं इट्रक्सन कला से। ठीक है, आगे, यंत्र प्रमाप, एक सेकेंड, यंत्र प्रमापी गोज निम्नलिखित में से क्या है? समतल छेनी, कास्ट के उत्कीर्णन के लिए अर्धगोलाकार छेनी, पत्थर के उत्कीर्णन के निमित्त नुकीली छेनी, मिट्टी निर्देशी यंत्र। 38 का क्या होगा, सभी लोग करेंगे? वेरी गुड, बहुत सही, ऑप्शन बी कास्ट के उत्कीर्णन के लिए अर्धगोलाकार जो छेनी होती है ना, उसी को हम गोज या फिर यंत्र प्रमापी बोलते हैं। ठीक है, आगे, किसने वीनस का जन्म चित्र चित्रित किया है? मातिस, सल्वाडोर डॉली, सांद्रो बोटिचेली, लियोनार्डो दा विंची। बताएंगे 39 क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ये है सांद्रो बोटिचेली। ठीक है, आगे चलते हैं, वियतनाम के सैनिकों को समर्पित वी आकार के काले रंग के ग्रेनाइट की दीवारों वाले स्मारक का निर्माण किया है? मायालिप, जीबेस वॉक्ची, रॉबर्ट स्मिथसन, अल्फ्रेड लेस्ली। 40 का क्या होगा? मैम गुड इवनिंग, शाबाश, बहुत जल्दी आए हैं आप, प्रेमलता मिश्रा जी। जब क्लास ऑफ होने वाली होती है तब कुछ लोगों का सवेरा होता है। ऑप्शन ए ये है मायालिप। आगे, ट्रांसफिग्रेशन कास्ट पर टेम्परा से और किसने चित्रित किया है? छापेंगे लियोनार्डो, डैफिल, पिकासो, होडलर। बताइए 41। ये है डैफिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लीडा और हंस किसने चित्रित किया है? मोने, पिकासो, लियोनार्डो, फर्डिनांड होल्डर। 42 क्या होगा आंसर, फटाफट से करेंगे आंसर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ये है लियोनार्डो द विंची। ठीक है, आगे, मेजोटिंट और ड्राई पॉइंट में साझा घटक है कठोरता, मृदुता, समतलता, शुष्कता। 43 का क्या होगा बताइए, कठोरता, मृदुता, समतलता, शुष्कता। चलो 43 का क्या होगा, हाँ वेरी गुड, ऑप्शन बी ये है मृदुता हो जाएगा। ठीक है, आगे, कलाकृति ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया है? जॉन मीरो, पाब्लो पिकासो, हेनरी मातिस, मार्क शागाल। 44 का क्या करेंगे आंसर? देखो यहाँ पर कम टाइम में ज्यादा चीजें हो रही हैं, इसलिए बिल्कुल से डेली 7 बजे जुड़ के बैठना है। ठीक है, 7 बजे, और कब एग्जाम की डेट आ जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल से धुआंधार प्रैक्टिस करते रहिए बस। इनमें से कौन सा मकबरा संबंधित शासक के जीवन काल के दौरान बनवाया गया था? सिकंदरा में अकबर का, दिल्ली में हुमायूं का, लाहौर में जहांगीर का, काबुल में बाबर का। 45 का क्या होगा? जल्दी जल्दी से ये वाले प्रैक्टिस सेट हो जाएं आपके डेली, फिर हम आपके बिल्कुल से अंदर वाले क्वेश्चन निकालेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में 100% छपेंगे। हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, चैडविक क्या थे बताइए, क्या थे? 46, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं ना तो कर लेना। ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन आपके बिल्कुल धमाकेदार वाले आने वाले हैं, डेली आपको शाम को 7 बजे मिलेंगे। ऑप्शन बी ये ब्रिटेन के मूर्तिकार। आगे, 1964 ईस्वी में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, बताइए क्या होगा? AISBL
की स्थापना की थी? बताइए। जवाहरलाल नेहरू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, हेनरी मूर, पाब्लो पिकासो। 47 क्या होगा आंसर? बिल्कुल करेक्ट दिया है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, आगे। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? अरे भाई, 48 लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई है? उत्तरी, उत्तर पश्चिम, पूर्वी, उत्तर पूर्व। बताइए 48 का क्या होगा? ऑप्शन सी, ये पूर्वी हिस्से में हुई है। आगे, क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की है? सतीश गुजराल, किरण गुजराल, कमल कृष्ण, श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय। बताइए, क्लास कैसी लग रही है सभी को? पसंद तो आ रही है ना? बताइए जल्दी से। ऐसे ही आप लोगों के ना जितने भी प्रैक्टिस सेट अब मिलने वाले हैं, बिल्कुल एकदम धुआंधार मिलने वाले हैं, एक मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। यही है आपका श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक दिनमान हिंदी पत्रिका 1965 ईस्वी में स्थापित होता है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। चलो शाबाश, क्या होगा इसका आंसर? सब लोग करेंगे 50 का। वेरी नाइस क्लास, शाबाश। चलो 50 का क्या होगा? ऑप्शन बी, ये है दिल्ली। आगे, दैत्यराज बलि के दर्प का दमन करने के लिए विष्णु ने कौन सा रूप धारण किया था? वामन, वराह, राम, नृसिंह। 51 वेरी गुड, ऑप्शन ए, ये है वामन। आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा में प्राप्त 5 मंदिरों का समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? सभी लोग छाप के बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, थोड़ा सा रुक जाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ लें। वैसे बिना पढ़े आप लोग बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं। 52 आ रहे हैं सतरंगी आंसर। हमें पता था कि इस क्वेश्चन में तो ज़रूर सतरंगी आएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विमल वसाही, अरे विमल वसाही, लूना वसाही और फिर पितलहर, पाशनाथ, महावीर स्वामी। ये जो पांचों हैं ये कहाँ हैं? दिलवाड़ा में। ठीक है, हाँ ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अमरावती स्तूप कहाँ है बता दो? बहुत सिंपल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। मैम दोनों सेम हैं, ऑप्शन ए और डी। अच्छा, हाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बिल्कुल सेम है। चलो ठीक है, ए और डी जिसने दिया है ना उसका सही है। ठीक है, बताइए 53 का क्या होगा? अमरावती स्तूप कहाँ पर है? सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर 53 का। हाँ वेरी गुड, ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। दिलवाड़ा जैन मंदिरों को किसके द्वारा बनवाया गया है? विमल शाह, चामुंडा राय, अशोक, कनिष्क। छापेंगे सभी लोग 54। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, विमल शाह। ठीक है, आगे। एलोरा का कैलाश मंदिर किसको समर्पित है? शिव, बुद्ध, महावीर, आदिनाथ। कैलाश मंदिर है तो भाई किसको समर्पित होगा? अपने शंकर जी को, भोले बाबा। आगे, दिलवाड़ा के लूना वशाही मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति की आंखें किस बहुमूल्य रत्न धातु से बनी हुई है? सोना, मोती, हीरा, पन्ना। बताइए क्या होगा 56 का? ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरे से बनी है। ठीक है, याद रखना है। भारत में पाए जाने वाले मध्ययुगीन मंदिरों में सबसे बड़ा, सबसे अलंकृत और सबसे अधिक सुरक्षित कौन है? बता दो कौन है भैया यहाँ अपने भारत में सुरक्षित 57 में। बिल्कुल सही है, जो ये अपने महादेव है ना, भोले बाबा, कंदरिया महादेव में ये मंदिर सबसे सुरक्षित है। चौर पंचासिका किसके द्वारा लिखा गया है? वात्स्यायन, विल्हड़, यशोधर पंडित, कल्हण। बताओ, वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है क्या?
बताओ 58। अच्छा विल्लर के द्वारा, चलो मान लेते हैं ऑप्शन बी आपका करेक्ट। आगे तंजौर पेंटिंग ऑफ द मराठा पीरियड पुस्तक के लेखक कौन हैं? आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, जयाप्पा स्वामी, ज्योतिष जोशी। 59 क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी ये है जयाप्पा स्वामी। आगे चलते हैं एलोरा की किस संख्यक गुफा के द्वार पर देवी गंगा की आकृति उत्कीर्ण है? बताइए सभी लोग 21, 16, 17, 32। शाबाश बिल्कुल सही है। तो देवी गंगा कहाँ पर है आपके? 21 में है। ठीक है आगे संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक कौन है? अभिनव गुप्त, भरत मुनि, कालिदास, कोई नहीं। 61 क्या होगा? सिक्सटी वन बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बिल्कुल सही है ऑप्शन बी ये है भरत मुनि। ठीक है आगे 62 पूछा जा रहा है आपसे। चलिए जम्मू शैली का 1746 ईस्वी में निर्मित जम्मू राजा बलवंत सिंह बाज लिए हुए कागज पर टेम्परा में बना है ये चित्र कहाँ सुरक्षित है? डोगरा आर्ट गैलरी, जम्मू राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, भारत कला भवन वाराणसी। बताइए जल्दी से फटाफट से। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो फटाफट से कर लीजिएगा। ठीक है क्योंकि क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो लोग देख रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी ये है नई दिल्ली में। आगे गोविंद जो कि 1178 से 1205 ईस्वी के हैं इसके रचना का पूछा जा रहा है केशवदास, यशोधर पंडित, जयदेव नग्नजी। बताएंगे सभी लोग क्या होगा? पंकज जी चलिए 63 क्या होगा? शाबाश बिल्कुल करेक्ट दिए हैं ये हैं कौन? जयदेव। रसिक प्रिया किसकी है बताओ? पूछा जा रहा है कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्र राग हिंडोला की रागनी वसंती भारतीय संगीत पर आधारित स्वरावली है ये और कहाँ सुरक्षित है? नई दिल्ली, बोस्टन, लंदन, वाराणसी। बताएंगे सभी लोग फटाफट से क्या होगा आंसर? लास्ट चल रहे हैं फिर भी स्लो 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 स्लो। हाँ हाँ बिल्कुल सही है ऑप्शन ए यही आपकी नई दिल्ली में ही। आगे पारंपरिक रूप से लास्ट क्वेश्चन, पारंपरिक रूप से पांडवों के किले के रूप में प्रसिद्ध दिल्ली का वह किला जो उसी टीले पर स्थित है जहां कभी इंद्रप्रस्थ नगर हुआ करता था, पुराना किला, लाल किला, राय पिथोरा, तुगलकाबाद किला। बताइए 65 का क्या होगा? सभी लोग छापेंगे। वेरी गुड बिल्कुल सही दिया है ऑप्शन ए पुराना किला। अच्छा जल्दी से एक क्वेश्चन बताइए फटाफट से, 1890 का जो ग्रुप है ना वो कहाँ पर गठित हुआ था? पता है किसी को 1890 का जो ग्रुप था वो कहाँ गठित हुआ था? मुंबई, कलकत्ता, पटना, बड़ौदा। छाप के बताइए जल्दी से। कहाँ पर हुआ था? शाबाश बड़ौदा में। ठीक है याद रखना है कहाँ पर हुआ था? बड़ौदा में हुआ था याद रखना है। अच्छा ये बताइए अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? पिकासो, यामिनी राय, पॉल गॉगिन और वॉन गॉग। बताइए अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? किसने? यामिनी। वेरी गुड किसने किया था? ये यामिनी राय ने किया था। ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन बताइए प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार है जो जाकर पेरिस में बस गया था? बताइए जल्दी से जो पेरिस में बस गया था कौन है वो? आरा, गैंटोन, रजा, सूजा। बताइए कौन थे जो पेरिस में जाके बस गए थे? वेरी गुड ये थे रजा। कौन थे ये? रजा थे। नेक्स्ट पूछते हैं आपसे सलोज मुखर्जी कौन है बताओ? आकारवादी हैं, रंगवादी हैं, घन चित्रणवादी हैं और प्रभाववादी हैं। बताओ सलोज मुखर्जी कौन है ये?
बताओ जल्दी से फटाफट से, शैलोज मुखर्जी कौन है? आकारवादी, रंगवादी, घनचित्रणवादी, प्रभाववादी? अच्छा, देखो एक चीज याद रखना कि ठीक है चलो। हाँ शाबाश, किसने दिया है ये आंसर? विश्राम जी ने, वेरी गुड, इन्होंने आंसर सही दिया है, प्रभाववादी। ये जो है ना ये प्रभाववादी है, ठीक है याद रखना है। अच्छा ये बताइए कि एक क्वेश्चन बता दीजिए कि अब सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए चलिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है आज की जो क्लास है आज हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा रंगवादी और प्रभाववादी में कंफ्यूजन होता है। अच्छा देखो अभिव्यंजनावादी आ जाए या प्रभाववादी आ जाए, ठीक है दोनों आपके शैलोज मुखर्जी के ही, ठीक है याद रखता है। चलिए अच्छा ये बताइए जल्दी से कि अमृता शेरगिल की माँ कौन थी? बताइए अमेरिकी थी, भारतीय थी, अंग्रेज थी, या फिर एक और कोई ले लीजिए हंगेरियन थी, बताइए कौन थी? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, हंगेरियन थी, वेरी गुड। अच्छा एक और बता दीजिए, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, बताओ पिकासो के साथ किसके चित्र प्रदर्शित हुए थे? राम कुमार, के हैबर, मकबूल फिदा हुसैन, आरा? शाबाश, बिल्कुल सही है, ये हुसैन के साथ प्रदर्शित हुए थे, ठीक है। अच्छा ये बताइए के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली कौन सी थी? अलंकारिक, रेखात्मक, वास्तवधर्मी, शास्त्रीय? सभी लोग बताएंगे के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली कौन थी? वेरी गुड, रेखात्मक थी। कैसी थी ये? रेखात्मक थी, याद रखना है, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताइए चटक रंगों का प्रयोग किसने किया था? यामिनी राय, अमृता शेरगिल, के हैपर, नंदलाल बोस? बताइए चटक रंगों का यूज किसने किया था? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, यामिनी राय ने किया था, ठीक है। अच्छा ये बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? बताना है किस रूप में नहीं है, चित्रकार, कवि, मूर्तिकार, कहानीकार? बताइए क्या होगा, क्या होगा आंसर इसका? शाबाश, बिल्कुल सही है, ये मूर्तिकार नहीं थे बल्कि चित्रकार, कवि, कहानीकार, ये सब चीजें इनमें थी। अच्छा बताओ जल्दी से एनएस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? ठीक है कौन नहीं था? केएस कुलकर्णी, शांति दवे, जीआर संतोष, गुलाम शेख? बताइए एनएस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? केएस कुलकर्णी, शांति दवे और जीआर संतोष, गुलाम शेख? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, कुलकर्णी नहीं थे बाकी थे, ठीक है। अच्छा बताओ आरा अपने किस कार्य के लिए फेमस है? चेहरा चित्रांकन, नग्न चित्र, स्थिर वस्तु चित्र और प्रकृति चित्र? बताइए आरा अपने किस काम के लिए फेमस है? शाबाश, बिल्कुल सही है, स्थिर वस्तु चित्र के लिए ये फेमस है, ठीक है। अच्छा बताओ नंदलाल बोस का जन्म कहाँ होता है? मुंगेर, कलकत्ता, 24 परगना, शांति निकेतन? बताइए शांति निकेतन में या फिर कलकत्ता में, किसमें होता है, किसमें होता है? क्या पूछा है, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ होता है? मुंगेर, कलकत्ता, 24 परगना, शांति निकेतन? वेरी गुड, हाँ मुंगेर में होता है, वेरी गुड, 1882 कह दीजिए या 83, ठीक है 82 भी मिल जाता है कहीं कहीं, 83 भी। अच्छा बताओ जल्दी से कि ये तो बता लेंगे, चलिए अच्छा ये बताइए असित हलदार काहे के लिए जाने जाते हैं? मूर्तिकार के रूप में, मिनिएचर चित्रकार के रूप में और
कवि कलाकार के रूप में, आधुनिक चित्रकार के रूप में? बताइए, असित कुमार हल्दार काहे के लिए जाने जाते हैं? शाबाश, बिल्कुल सही है। हाँ चलो, सब घूमे पड़े हैं, ऐसे ही पूछ लेगा ना तो बस भड़बड़ा जाना, ठीक है? हाँ देख लो। चलो ठीक है, देखो याद रखना, असित कुमार हल्दार जो है ना, एक कल्पनाशील, भावप्रवण, आधुनिक चित्रकार होने के साथ साथ एक साहित्यकार भी थे, शिल्पकार भी थे, कला समालोचक भी थे, चिंतक भी थे, कवि, विचारक तथा ये सब जो चीज़ें मिलती हैं, ये सब आपके असित कुमार हल्दार जाने जाते हैं, ठीक है? अच्छा बताओ, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम क्या स्थापित किया था? आर्ट स्कूल, ओलियोग्राफी प्रेस, आर्ट गैलरी, आर्ट स्टूडियो, बताइए। हाँ कवि कलाकार, इसको बताइए क्या होगा। राजा रवि वर्मा ने भारत में किसकी स्थापना की थी? आर्ट स्कूल, ओलियोग्राफ प्रेस, आर्ट गैलरी, आर्ट स्टूडियो। बहुत सही, ये की थी इन्होंने, ओलियोग्राफी प्रेस की। चलो आगे बढ़ जाते। अच्छा ये बताओ, गांधी जी की दांडी यात्रा कृति किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, शैलेंद्रनाथ डे, रामचंद क्या कहते हैं उसको, राम किंकर बैज, बताइए। मैम प्रस्तुतिकरण क्या बोल रहे हैं, प्रस्तुतिकरण, चलो इसको बताओ। हमने जो पूछा आपसे कि गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है, वेरी गुड, नंदलाल बोस की है, ठीक है? चलिए अच्छा ये बताइए, अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ से ली थी? शांति निकेतन से, मुंबई से, पेरिस से, जयपुर से, कहाँ से ली थी? हाँ पेरिस से ली थी, ठीक है? अब यहीं तक क्लास रखते हैं, अब बहुत हो गया। अच्छा ये जल्दी से बताइए कि क्लास आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लास आपको पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए। हाँ जी मैम, जी बिल्कुल मैम, चलिए बहुत बढ़िया है मैम जी, चलिए शाबाश, गुड लगी। आप लोगों के लिए ना हमने वो क्या कहते हैं, जो आपकी पाश्चात्य कला है ना, पाश्चात्य कला का इतिहास, उसकी जो मतलब राकेश गोस्वामी की जो वन लाइनर बुक है, उसको हम मतलब एक चैप्टर को एक दिन में निपटा देंगे, तो आपका 20 से 25 दिन में आपकी जो बुक है कंप्लीट हो जाएगी, मतलब एक वीडियो में ही एक चैप्टर मतलब कंप्लीट करवा देंगे, तो आपकी वो बुक भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? हाँ और यहाँ से आपका प्रैक्टिस सेट भी हो रहा है, और ये प्रैक्टिस सेट होने के बाद जो प्रैक्टिस सेट अब आपके आने वाले हैं वो इतने दमदार आने वाले हैं कि अब हम क्या ही बताएं, जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि वहाँ से 100% क्वेश्चन आना तय है, ठीक है? तो सभी को क्लास में जुड़ना है शाम को 7 बजे, और जो लोग नए हैं उनके लिए तो बिल्कुल से रामबाण सीरीज है। पसंद आ रही है जी मैम, पसंद आ रही है, शाबाश मैम, आप थक गई हैं क्या? नहीं हम क्यों थकेंगे। चलिए शाबाश। चलिए थैंक यू मैम, कृपा बनाए रखिए। बनी है, पूरी कृपा है, अभी बहुत कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए, परेशान मत होइए। बढ़िया आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, और जो प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं उनको गलती से भी मत छोड़िएगा, ठीक है? जो प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं उनको बिल्कुल गलती से नहीं छोड़ना, और जो गलती कर देगा छोड़ने की वो देख लेना, एग्ज़ाम हॉल में एक बार ज़रूर सोचेगा, एक बार ज़रूर सोचेगा कि काश मैंने वो क्लासेस ले ली होती। और ये जो आपके मॉडल पेपर चल रहे हैं, ये जिसने छोड़ दिए वो तो मैम और क्वेश्चंस कराएंगे, डेली करवाते हैं ना, डेली डेली ऐसे ही 8-10 क्वेश्चन करवा देते हैं ओरली, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बस ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा काफ़ी बच्चों का, ठीक है? हाँ चलिए फिर, अभी 2-4 दिन 5 दिन बाद हम वाली क्लास स्टार्ट करेंगे, आपकी जो पाश्चात्य कला का इतिहास है ना उसको स्टार्ट करेंगे। मैम मैं आपका सबसे पहला स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट रैंक। अच्छा नाम क्या है आपका? फर्स्ट रैंक। चलिए
वेरी गुड क्लास मैम जी, नाइस सेशन, वेरी गुड। चलिए अब सभी लोग जाइए, आराम से खाना पीना खाइए, और रात को 9 बजे फिर से क्लास लगी हुई है, तो रात को 9 बजे आप लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए फिर रखते हैं क्लास को, करते हैं ऑफ, और आप लोग बढ़िया मस्त रहिए, खुश रहिए, एकदम बिंदास रहिए, ठीक है। चलिए।